कर के दूर अपनी नजरों से मुझे गैरों की तरह ना देख। ये जमाना काफी है मेरा दिल दुखाने के लिए, कम से कम तू तो मेरे दिल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर आरपी रॉल। अभी जो आपने टेक्स एनिमेशन स्टेटस वीडियो देखा है उसका मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सिंपली आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, प्लस साइकन पे क्लिक करना है, 19:16 फ्रेम साइज रख लेना है आपको। फिर प्लस आइकन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फोटो सेलेक्ट कर लेना है, तीन डॉट पे जाके फुल स्क्रीन कर लेना फ़ोटो को। फिर गूगल ट्रांसपोर्ट में जाके आपको एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको वीडियो का ऑडियो ले लेना है, इस वीडियो का मैं लिंक टेलीग्राम को आपको दे दूंगा, इजीली वहाँ से ले लेना, ऐसे इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद आपको स्ट्रैप एंगल ले लेना है, उसको बीच नीचे ब्लैक कर लेना और ऊपर वाइट कर लेना, वाइट को ट्रांसफेट कर लेना कि वो को दिखे फोटो, उसके बाद नीचे ब्लैक ब्लैक दिखे, जितने टाइम तक भी सॉन्ग है वहाँ तक लगा लेना। फिर बीट मार्क दे लेना आपको, सॉन्ग का पहला लाइन दूसरा लाइन रेड वेड जिस हिसाब से ऐसे करोगे तो आपका सही रहेगा। फिर मैं आपको पीसेट लिंक दे दूंगा बिल्कुल फ्री में XML फाइल का, उसे इंपोर्ट कर लेना आप। उसको इंपोर्ट करने का प्रोजेक्ट में आपको दिख जाएगा, तो उसे क्लिक करने के बाद जो मैं फ़ॉन्ट यूज करूँगा आपको पहले डाउनलोड कर लेना है, एंड तीनों लेयर को कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद जो हम प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हैं वहाँ पे पेस्ट कर लेना है पेस्ट लेयर। उसके बाद दो जो इमोजी है और टाइटल है वहाँ उसको कर लेना है लास्ट तक। उसके बाद टेक्स्ट एनिमेशन को यहाँ पे आपको फॉन्ट ऐड कर लेना है, जो मैं फॉन्ट दूंगा उसको ऐड कर लेना है। अगर नहीं मिल रहा है तो वहाँ सर्च कर सकते हो, यहाँ अगर सर्च बार में अगर ना मिल रहा हो तो आपको यहाँ सर्च कर सकते हो। तो ये वाला है, जितने भी फोटो मैं आपको दे दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ जो सॉन्ग का पहला लाइन है आप देख सकते हैं अब यहाँ तक आ रहा है, इसको कट करके मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ जो सॉन्ग का पहला लाइन है। तो अगर छोटा छोटा है वो भी सही रहेगा, लेकिन मेरा थोड़ा बड़ा लाइन है, शायरी है इसलिए, तो इसे इसका आपसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इसे ऊपर लगा लेता हूँ। तो ये मैंने लगा लिया, अब देख सकते हैं यहाँ तक बीट मार्क आ रहा है रेड वाला, तो उसके हिसाब से करोगे तो सही रहेगा आपका। तो इसे कट कर लेता हूँ, थोड़ा ये टोट आ रहा है इसे आगे कर लेता हूँ। फिर कॉपी लेयर करके कॉपी पेस्ट करके दूसरा लाइन के लिए आगे कर लेगा, अब बीट मार्क के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ दूसरा लाइन। अब यहाँ तक आ रहा है, अब देख सकते हो बीट मार्क के हिसाब से इसे कॉपी लेयर करके आप पूरा रिलीज कंप्लीट कर लेना। फिर आपको यहाँ पे आई वाला ऑप्शन है, इसे इनेबल कर लेना है। फिर स्टार्ट पे यहाँ पे आपको जीरो कर लेना है एंगल पे, स्टेप पे वाले में 2.0 कर लेना है, 002। तो देख सकते हैं इसी तरह हो गया, इसी तरह दोनों टैक्स को मैंने ऐसे कर लेता हूँ। तो इसी तरह कॉपी लेयर करके आगे कंप्लीट कर लेना, कॉपी लेयर करके कॉपी पेस्ट कर लेना। तो इसी तरह पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, टाइमिंग के हिसाब से जाकर करोगे तो आपका एनिमेशन हटेगा नहीं टेक्स्ट एनिमेशन का। उसके बाद आपको फोटो में एनिमेशन देने के लिए मैं एक मिस्टर आरपी रॉल कॉपी लिखा होगा, वहाँ पर इफेक्ट होंगे दो इफेक्ट, उसको कॉपी करके आपको फोटो में पेस्ट कर लेना है और आई वाला ऑप्शन पर इनेबल कर देना है। उसके बाद जिस भी क्वालिटी में चाहे से एक्सपोर्ट कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।